चंडीगढ़ में डॉक्टर हरजोत कमल सिंह मौजूदा विधायक होने के साथ बीते 2 दशकों से कांग्रेस पार्टी में कार्यरत थे, लेकिन यहां पर मोगा में सोनू सूद की बहन मालविका सूद को कांग्रेस पार्टी का टिकट दिए जाने के बाद डॉक्टर हरजोत कमल सिंह ने बीजेपी से विधानसभा चुनाव लड़ा। वहीं हरजोत कमल ने हर खबर के ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान डॉक्टर हरजोत कमल सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जहां एक तरफ आज भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की, वहीं सभी 73 उम्मीदवारों को भी यहां बुलाया गया इस बैठक में। और एक ऐसी सीट जो बहुत ज्यादा हॉट रही पंजाब में, मैं बात कर रहा हूं मोगा की, जहां के मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी से आते हैं डॉक्टर हरजोत कमल, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर चुनावी रणभूमि में उतरे और मालविका सूद के साथ बहुत कड़ी टक्कर कही जा रही है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि 10 मार्च को एक तरफ कांग्रेस पार्टी के आप मौजूदा विधायक रहे और अचानक से भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा और सामने अब उस पार्टी के साथ कंपटीशन रहा जिस पार्टी में आप काफी समय तक रहे? मेरे वास्ते पार्टी मैटर बहुत कर दी थी, बट जिस तरीके दे नाल सारे घटनाक्रम होया उहदे तो बाद लोकां तो जिहड़ा प्यार मिलिया, मैनू कदे कदे इदां लगदा हुंदा सीगा कि दिन रात लोकां च विचरना, काम करना, उहनां दे शड्यूल इन्ना टाइट रहिंदा सीगा। एक एक दिन च मैं 6-6, 7-7 भोग मैरिज पार्ट अटेंड कीतियां। कदे ना कदे कई बारी लगदा सीगा वी इह पता नहीं कोई मुल भी पाऊगा कि नहीं, पर एंड ते मैनू लग्गिया कि उह लोकां च जिहड़ा वरतारा सी उह विचरना सी, जिहड़ा मैं ऑफिस खोल के लोकां दी सेवा कीती, उह सारियां चीज़ां ने पे कीता। और मैनू बड़ी आस ते उम्मीद है और मेरी उस परमात्मा नू अरदास भी है कि जे 10 तरीक नू नतीजे जिहड़े ने उह जरूर मेरे हक च आउणगे। और इहदे नाल कल्ली हरजोत कमल दी जित नहीं होगी, पार्टियां तों उपर उठ के जिहड़ा बंदा लोकां नाल निमरता दे नाल 5 साल MLA बन के भी उसे तरीके ने नाल जिस तरह MLA बनने तों पहलां सी विचरदा रहा, लोकां दे दुख सुख विच शामिल हुंदा रहा, इह असल दे विच उस धारणा दी जित होगी लोक सेवा दी। डॉक्टर साहब, ये खबरें भी 20 फरवरी को मोगा से आती रही कि सोनू सूद को कहीं पोलिंग बूथ पर जाने से रोका गया है, उनकी गाड़ी भी जब्त की गई थी, तो क्या अपने स्टारडम का फायदा उठाया जा रहा था, ये कारण बना? मेरा ख्याल स्टारडम का फायदा जितना कांग्रेस पार्टी ने सोचा था उतना वो उठा नहीं पाए। देवर सिंह के ही इज ए सेलिब्रिटी एंड वो उससे प्रचार कराएंगे पंजाब में भी और यूपी में भी, लेकिन आप लोगों ने जैसे देखा वो मोगा में भी प्रचार नहीं कर पाए अच्छी तरह। ठीक है, पहले दिनों में वो खूब निकले हैं, उन्होंने अपने फंड्स को यूज किया है जो इकट्ठे किए थे लोगों से, शायद उनको भी यूज किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों में मोगा में ये चीज का असर रहा के लोगों ने स्टारडम को नहीं काम को पहचाना है। आज समीक्षा बैठक है और आज समीक्षा की गई है, 73 के 73 उम्मीदवार पहुंचे हैं, तो मोगा की भी समीक्षा हुई होगी। गजेंद्र शेखावत जी भी मौजूद हैं, अश्विनी शर्मा जी मौजूद हैं, सुभाष शर्मा जी, सभी मैं ये कहूंगा कि पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या समीक्षा निकल कर गई खास तौर पर मोगा? ये बीजेपी में आने के बाद मुझे पता चला कि ये लोग अपने परिवार के जैसे हर एक के साथ व्यवहार करते हैं और एक टीम बना के काम किया है। मुझे इलेक्शन में भी बड़ा सपोर्ट किया, चाहे मोगा में एक दो लोगों को छोड़ के, और बाकी जो ऊपर है हाई कमांड उसने भी बहुत सहयोग दिया। आज तो सिर्फ एक औपचारिकता की बैठक थी, थोड़ी बहुत समीक्षा हुई है, बाकी समीक्षा तो उस जो मशीनें हैं उसमें बंद पड़ी है, वो 10 कोई निकलेगी बात। तो पिछली बार आप जितने मार्जिन से जीते थे, क्या लगता है अब पार्टी भी बदल दी, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो क्या वो रिकॉर्ड टूटेगा, क्या जीत सुनिश्चित मानते हैं? मुझे गट फीलिंग है इसका, कोई देखो कोई अगर आपने झूठ बुलाना तो जितना मर्जी बुला लो, हर एक कैंडिडेट के जो साथी होते हैं वो उसको उसी की जीत का बताते हैं और जो भी समीक्षा होती है
वो अपने लोगों से ही होती है। ये थे डॉक्टर हरजोत कमल, और जिन्होंने कहा कि मेरी गट फीलिंग है कि आने वाली 10 मार्च को जीत का परचम जरूर लहराएंगे। अब ये देखने वाली बात है कि क्या हरजोत कमल एक बार फिर अपनी जीत सुनिश्चित कर पाते हैं। ये तो अब ईवीएम मशीन में बंद है, और 10 मार्च शाम होते होते हर खबर के माध्यम से आप तक हम जरूर लेकर के आएंगे। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण।